एक जने कहने लगे हमसे, जित्तू भज्जा शादीशुदा लोगों की हकीकत बात बताओ। हमने कि देखो भज्जा, शादीशुदा लोगों की एक हकीकत बात है, खुद की औलाद दूसरे की लुगाई। सुपर लगत। एक बात तो है भज्जा, ये लॉकडाउन में सबरी भौजी हरे जो ऑनलाइन रहती भी अब बिल्कुल नहीं रहती। कैसे भज्जा, हरे तो घर में है। एक दिन का भाव पप्पू हमसे कहने लगो, कहने जा बताओ जित्तू भज्जा, जो रावण कर सकत वो को नहीं कर सकत। मैं सोच में पार गया, मैंने कहा कहने रावण 10 लड़कियों के किस कर सकत और को नहीं कर सकत। आज हमने पप्पू से कही, यानी पप्पू तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लारे हमने नहात में देखो। पप्पू रोन लगे, कहने तुम हमारी गर्लफ्रेंड के नहात में का देख रहे थे। गलत नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रास्ता से जा रही थी, हम नहा रहे थे। ओह नो। सरकार कह रही सब जने घर में रहो, लेकिन अपने बुंदेलखंड के तो ऐसे हैं कि स्वर्ग में लो हुई है तो भी नरक में ढूंक भेजे हो तो कछु हो तो नहीं जाओ। एक बार का भाव भज्जा अपने पप्पू को हो गया एक्सीडेंट, पुलिस वाले आए घरे के बारे भड़के। इनकी मम्मी कत कुआ, कहले हमारे यहाँ पुलिस वाले। मम्मी कत का हो गाओ, कहले तुम्हारे पप्पू के ऊपर से बस चढ़ गई सो पापड़ बन गाओ। सो कहले तुम कहाँ थे आए, कहले दरवाजे खोलो। कहले जब पापड़ बन गाओ तो दरवाजे कहाँ खोलो, नीचे से सरका दे पप्पू के। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। हम आपके जित्तू खरे बादल बुंदेलखंड, आपके बुंदेलखंड के, हमारे बुंदेलखंड के, हम एक छोटे से कलाकार, लोकगीत राय कलाकार जी की लाने आप देखत रहे थे। जैसे कि पहले भारत में आओ, फिर भोपाल में आओ, फिर सागर में आओ, विदिशा में आओ, तो भैया बहुत दिन भी दूर नहीं है। हम तो परत कबों ना आए, लेकिन कबों दमो में आ जाए, छतरपुर में आ जाए, इके पहले अपन के सावधानी रखबो बहुत जरूरी है। और हमारा तो जो ही निवेदन है कि आप लोग, जो सरकार अपन के लाने राह दिखा रही, आदेश कर रही, पुलिस प्रशासन आदेश कर रही है, उनके कहे अनुसार आप चले और उनकी बात माने। आप सुरक्षित हैं तो दुनिया सुरक्षित है, और आप सुरक्षित नहीं हैं तो फिर दुनिया कोई काम की नहीं है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया जहाँ तक आ गए उनके आँखें बिल्कुल ना बढ़न देवे। तो भैया पुलिस और डॉक्टर, डॉक्टर तो पहले ही से भगवान है, तो भगवान के लाने तो पहले ही से हम नमन कर रहे हैं। जो जी अपनी डॉक्टर अपनी जान की दिक्कत नहीं कर रहे और अपनी जान के लाने बचावे फिर रहे हैं और लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ काम कर भी लगे हैं, उन डॉक्टरों के लाने हम आओ दो ही हाथ जोड़ते हैं और सलाम और जय श्री राम। तो भैया और जो जी हमारा पुलिस प्रशासन है, इनकी तो बातें ये लाके देख रहे हैं आप, दिन में शहर में गांव में अपने सब घर परिवार के छोड़ के अपनी ड्यूटी बजा रहे। अपन तो 2-5-10 जनों से मिल रहे, वे हर डेली 200-500 आदमों से मिल रहे और उनसे एक ही अपील कर रहे कि भैया हरो घर में रहो। तो पुलिस प्रशासन को बहुत 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 धन्यवाद, और दो हाथ जोड़ के उन्हें हम भी सलामी देते हैं कि आप ई महामारी में अपनी भागीदारी महत्वपूर्ण होकें, यानी भरपूर होकें, निस्वार्थ होकें जो आप काम कर रहे हो, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि बात आई कि अपनों बुंदेलखंड ई महामारी से बचपा है, तो देखो बुंदेलखंड की धरती के अपन पहरेदार हैं, और जब तक आप और जब तक हमने चाहें जब तक इतने नहीं आ सकत कोरोना वायरस, जब तक इतने नहीं आ सकत कैसे, जब तक अपन घर के भीतर है जब तक वो बाहर है, और जब अपन बाहर हुई है तो घर के भीतर आ जाए। तो सबसे पहले जी लापरवाही ना करें, बार बार घर से निकल वो ना करें,
अगर कोई आपको काम है जबई काम घर से बाहर निकले, बेफालतू के पुलिस को परेशान ना करें। हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती लोग घर से निकल रहे हैं, पुलिस वालों की हंसी मजाक कर भी लगी कि अरे पुलिस आ रही, भगो फलाना करो ढिकाना करो, लेकिन आज भी पुलिस वाले अपनी सेवा में लगे हैं। तो उनकी जो ड्यूटी है उनमें आप अपना योगदान दें। और जो ये अपील है, अपने बुंदेलखंड में ना कोरोना आए ना कोई ऐसी बीमारी आए। हमारे तो माता रानी से एक ही अर्जी है कि माँ हमारे बुंदेलखंड से और पूरे भारत के लाने आप हमेशा सलामत रखियो। और जित्तू खरे बादल की आप लोग के लिए जय बुंदेलखंड, जय भारत।